Okay, it is just about to go live. ठीक है राधिया जी, इट इज वी आर लाइव नाउ. ओके, थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइज थोड़ा सा आ रहा है, तो अगर जस्ट गिव मी अ सेकंड. Is this better? Oh, very good. Okay, perfect. So let's start. Ji, bilkul. Oh, thank you. Moksha magasya netaram bhetaram kama bhuvatam gyataram vishva tattvanam vande tadguna labhade. Chaliye. हमारी लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसको क्विकली रिकैप करते हैं. एक मिनट, जस्ट वन सेक. नूपुर जी, वुड यू माइंड पोस्टिंग इट इन द ग्रुप चैट कि हूएवर वाज नॉट एबल टू जॉइन दे कैन, द मीटिंग हैज स्टार्टेड, प्लीज. मैसेज, थैंक यू. आपका मौन व्रत है, आपको बहुत बहुत अनुमोदना आपके मौन व्रत की. जी राधे जी, शुरू करिए. ओके परफेक्ट. सो आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज अभी तक हमने क्या देखा है. अभी तक हमारी कहानी यहाँ तक बढ़ी थी कि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि इस पूरी दुनिया में इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई देन देयर इज मी विच इज आत्मा, जो कि हम ही सेंटर ऑफ द स्टेज पे है, हम इस पूरी मूवी के हीरो है. और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम जब भी हीरो की बात करते हैं तो हम ये नहीं मानते कि वो जो हीरो जिसकी बात की जा रही है दैट इज मी माई सेल्फ. दैट इज समथिंग विच वी आर मिसिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल ऑफ लेट्स सी ऑफ स्पाउस. सो हमने जब बोला स्पाउस तो हमने हमेशा ही कंसिडर किया कि माई पार्टनर. हम ये मिस कर दिए कि हम भी एक स्पाउस है, मतलब माई सेल्फ इज ऑल्सो स्पाउस, राइट. हमने वो मिस कर दिया था. सो दैट इज समथिंग विच वी हैड आइडेंटिफाइड. सेकेंड थिंग, हमने एक स्टोरी स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि हम एक हीरो है और हमारे सामने एक विलन की फैमिली है जिसके अंदर एक ग्रैंडफादर है जिनके चार बच्चे हैं और पांच ग्रैंड चिल्ड्रन है. हमने ये पता लगा था कि जो ग्रैंडफादर है उनका नाम है, जो हमारे ग्रैंडफादर है उनका नाम है मिथ्यात्व, जो सन है उनका नाम है चार कषाय, और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो है पाप. अब जब भी ये हीरो इन विलन फैमिली के साथ लड़ता है टू विन ओवर देम, तो सबसे पहले उनके पास जो चार बच्चे हैं उनमें से पहला बच्चा आता है लड़ने के लिए, जो है क्रोध कषाय. हमने कल देखा था उस क्रोध कषाय से कैसे जीता जा सकता है. बहुत ही ईजी और सिंपल था. हमें ये समझना था कि भाई क्रोध जो होती है वो इट इज अ टाइप ऑफ फायर. फायर सबसे ज्यादा किसको जलाती है? खुद को. मतलब अगर कहीं पे भी आग लगती है तो जिस भी फ्यूल के ऊपर या जिस भी वस्तु को के ऊपर वो जल आग लगी है वो वस्तु में, तो वो आग तब तक ही जलाएगी जब तक वो वस्तु राग में नहीं बदलती है. लेकिन आग स्टार्ट टू एंड जब तक वो आग बुझती नहीं है, चिंगारी से लेके बुझने तक वो आग स्वयं को जलाती ही जलाती है. सो हमने इस तरीके से देखा था कि जो आग है वो अपने आप को सबसे पहले जलाती है और हमें उस वो आग नहीं बनना है. अब इससे इसका सोल्यूशन क्या था? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था. हमें ये चीज समझना था कि बॉस ये पूरी लाइफ के अंदर हम जिनके भी साथ है, हमें जिसकी भी ऊपर भी गुस्सा आता है, हम उनके साथ बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है. नाउ इट इज आवर चॉइस वेदर
we want to fight with them in those limited hours or we want to enjoy with them. At the same moment, हमने ये भी realize किया था कि हमें यदि किसी से माफी मांगनी चाहिए, यदि हमने सबसे ज्यादा किसी को कष्ट दिए है, यदि हमने किसी को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वो है हमने खुद को, और वो हमें खुद की क्या गलती है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना था. सो दिस इज वॉट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर. नाउ अभी मैंने आपको एक होमवर्क के लिए टास्क दिया था. आई एम नॉट सो श्योर कि आप में से कितना लोगों को करने का मौका मिला नहीं मिला. आई एम कंसिडरिंग दैट यू वर एबल टू डू इट. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो चार बच्चे आए थे ना, तो उन चार बच्चे में से जो पहला बच्चा था ना क्रोध, उसको तो आपने मार पुट के भगा दिया. अब क्या होता है, जैसे मूवीज में क्या होता है कि चार भाई में से अपने छोटे भाई को मार पीट के भेज दिया तो कौन आता है नेक्स्ट, उसका बड़ा भाई. तो सेम यहाँ पे अभी मान कषाय अब आएगा आपके अटैक करने के लिए. अब हर एक भाई की अलग ताकत होती है, हर एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर एक का अलग तरीका होता है अटैक करने का. सिमिलरली यहाँ पे मान कषाय का भी आपके ऊपर अटैक करने का बहुत ही डिफरेंट वे है. वो क्या बोलता है, ये एकदम टिपिकल केस है, ठीक है. आप सबके ऑफिस के एग्जांपल्स ले लीजिए. आपके ऑफिस में एक ना तो एक ऐसा कोई बॉस या सीनियर होएगा जिसके पास से काम निकलवाना सबसे डिफिकल्ट, लेकिन यदि आप उनको फुल क्रेडिट दो, वो क्या बोलते हैं, यदि आपने उनको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया, बोल दिया कि बॉस यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू इट, तो आपने वैसे उनको हैंडल किया तो आपका काम होना चुटकी का काम होता है. एंड दैट इज हाउ यू गेट इट डन. नाउ दैट इज व्हाट मान कषाय इज ऑल अबाउट. मान कषाय के अंदर कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की है. अब आप लोग बोलोगे कि भाई ओके, मान कषाय में क्या क्या चीजें आएगी. मान इज व्हाट, मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, anybody would like to help me over here? Ego, okay. Pride. Ego, what else? Pride. Pride, okay. And? Chalo. Think about one maan kashay, jisko hum justify karte hai ki wo maan nahi. है मान, प्राइड इज अभिमान, ईगो इज डायरेक्टली अमान, बट एक ऐसा मान बताओ जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते ईगो और प्राइड में. आपको पता है सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? मैं एक कुछ तो क्राइम पेट्रोल देख रहा था. उस क्राइम पेट्रोल में पुलिस उधर कोई क्राइम हो गया होता है तो पुलिस वाला आता है और वॉचमैन से पूछता है कि आज सुबह से 11 बजे तक कौन कौन आया. उसने बोला सर कोई भी नहीं आया. तो सर ये कैसे कोई भी नहीं आया, कोई तो आया क्या होगा. सर कोई भी नहीं आया. उतने में पुलिस वाले ने उसको एक झापट लगाया, बोला क्यों काम वाली बाई नहीं आई. बोला हाँ सर वो पांच काम वाली बाई आई थी ना. फिर उन्होंने बोला कि और कोई भी नहीं आया, बस ये पांच काम वाली भाई आई. वो बोलता है नहीं सर कोई भी नहीं आया. फिर वहां का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्ले किया गया और वहां पे देखा गया कि उसके साथ साथ कोरियर वाला आया था, दूध वाला आया था. अभी आपको पता है उस पूरे एपिसोड में एक ही चीज बताई गई थी क्या, कि ये जो आम जनता होती है ना, आम लोग, दूध वाले, कोरियर वाले, पेंटर्स, झाड़ू पोता वाले, इनको हम गिनती नहीं है. वो आए गए, हम उसको काउंट ही नहीं करते कि कोई आया था. सो दोज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल. इन अ सिमिलर फॉर्मेट मान कषाय में भी एक ऐसा मान है जो कि अपने आप को एकदम सादा, एकदम आम इंसान बन के आपके सामने आता है, आपके दिमाग में घुसता है. कैन यू इमेजिन दैट नेम,
स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि मेरी इज्जत है ना तो मेरे हाथ में, यदि किसी और के बोलने से अगर मेरी इज्जत खत्म हो गई ना तो उसका मतलब कि मेरी इज्जत में दम ही नहीं था। अभी समझो नुपुर जी ने मेरे को 10 गाली दे दी और उनके 10 गाली देने से मेरी इज्जत खत्म हो गई, तो भैया मेरी इज्जत थी किधर? यदि नुपुर जी के 10 गाली देने से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और के हाथ में नहीं है। मैं जिस चीज को सेल्फ रिस्पेक्ट का मुखौटा पहना के रखा था, मैंने जिस चीज को सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम से अपने दिमाग में चढ़ा के रखा था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो मान कर सकता। अब मैं बोलता हूं नरेंद्र जी आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, आपने तो मेरे लेक्चर सुने, यू हैव सीन हाउ गुड आई एम, आपने देखिए कि हाउ वर्सेटाइल आई एम, हाउ मल्टीफेसेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड डोमेन नॉलेज आई है। एक काम कीजिए, मेरे को नौकरी पे रख लीजिए, मैं आई एम नॉट अ एक्सपेंसिव रिसोर्स, आई विल जस्ट कॉस्ट यू अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम, दैट्स इट। आप क्या बोलोगे? सर यदि मुझे आपको धर्म सिखाने के लिए 50 लाख रुपया साल का देना हो ना, मेरे को जमेगा, लेकिन मैं आपको मेरी कंपनी में नौकरी नहीं दे सकता। अब इस चीज को मैं बोलूं कि अरे मेरे स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बोला, हाउ डेयर हिम, बताइए। मैं अभी जहां पे काम करता हूँ वहां पे मेरे कई स्टूडेंट्स है हु आर स्टेक होल्डर्स, सो सिंस दे आर स्टेक होल्डर्स दे आर माय बॉसेस। अब बताओ मैं उनको मैम बोलूंगा कि मैं उनको नाम से बोलूंगा? इफ टुमारो नुपुर जी और अल्पिता जी बाइज अ स्टेक इन द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग and they become a director, so then मैं उनसे जब बोर्ड रूम में मिलूंगा तो नुपुर जी मेरे को क्या बोलेंगे? जय जी देन सर, कैसे है सर? कि फॉर हर आई विल जस्ट बी एन एम्प्लॉई, वन ऑफ द मेनी एम्प्लॉईज ऑफ दैट कंपनी। यदि उन्होंने मुझे वहां पे वो मेरे पंडित वाला रिस्पेक्ट नहीं दिया और मैंने उस चीज को अपने ईगो पे ले लिया तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो है। हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो का ना मुखौटा चढ़ा के बैठे हुए। चलिए अब आप मुझसे सीधा क्वेश्चन पूछिए, सर इस चीज का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना देना? कैन एनीबडी हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि इस चीज का क्या आप में से कोई मुझे समझा, क्या आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकते हैं समझने में कि इस चीज का हमारी डे टू डे लाइफ से क्या लेना? मैं आपको बोलूं 90% इश्यूज ईगो के कारण से होते हैं। आपके घर पे सास बहू के झगड़े, ईगो हटा दो तो होंगे? बाप बेटे के झगड़े, ईगो को हटा दो होंगे? बॉस और सबॉर्डिनेट के झगड़े, आई कैन नेम यू 10 different situations, 10 different instances जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण से होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही सिंपल है,
नेक्स्ट टाइम अगर आपका बॉस 100 लोगों के सामने आपको डांटता है, और अगर आप, मैं अभी रिसेंटली बता देता हूँ, कोई ऑफिस में कुछ मैसेज पास ऑन करना था मेरे बॉस को, पूरी की पूरे स्टाफ को, and since I have recently joined and I have not received any HR policy or anything, I was not aware about what is the culture and whether it is acceptable or not. अब उनको ये मैसेज पूरे स्टाफ को पास ऑन करना था, तो उन्होंने मेरे को एक क्या बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हुए वो मैसेज पास ऑन किया. अब मेरे पास दो ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन मैं बोलूं कि बॉस आपने सारे स्टाफ के सामने मुझे बोल के आपने मेरी बेइज्जती की. अब देखो आप, वन वे, अनदर वे, छोड़ो ना उनका काम बोलना है, एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का. थर्ड ऑप्शन, द मोमेंट ही सेड इट, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी एंड आई वॉज लाइक कि बॉस वॉट. उनके मेरे को 10 चीजें बोलने से मेरी इज्जत कम नहीं होती है. हाँ, If I am a non-performing asset and I become a liability, तो मेरी इज्जत कम होगी. मैं 100 गलती करूं उसके बाद भी if he cannot fire me, so that means something. And without making any mistake, if he is able to fire me, then that also means something. दोनों में बहुत ही सिंपल सा है. मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट ड्रिवन बाय समबडी एल्स. यदि उनने मेरे को 10 चीजें बोली अगर उन्होंने मुझे एज अ सैंपल रख के उन्होंने मुझे कुछ बोला है, उससे अगर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मानता हूं, तो सच में आई विल लूज द रिस्पेक्ट इन आईज ऑफ माई ऑल द सबॉर्डिनेट. But the moment I went ahead and said to the subordinates, ki tension mat lo, it was just a message for everybody. By mistakenly, I was the one jiske kandhe pe ya jisko sample piece banaya gaya. It doesn't matter. That very moment, those subordinates started respecting me in altogether different manner. And that manner is called as a leader. मैं यहाँ पे अपने आपको praise नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही crystal clear message देना चाहता हूँ कि यदि आप अपने मान कषाय को बाजू में रख के जाओगे ना, आपकी office ले लो, आपकी family life ले लो, आपकी social life ले लीजिए, आपको जिधर जाना वहां पे जाके आप देख लीजिए, ट्रस्ट मी, आपको जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ में जो सुख शांति होगी, वो सुख शांति आपको कभी कोई नहीं दे सकता. सेम सिचुएशन, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन हैपेंड विद अनदर पर्सन. वो डिप्रेशन में चला गया, उसको समझ में नहीं आया, उसने 10 मिस्टेक की उसके डिलीवरेबल्स में, एंड माय बॉस गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फायर दैट पर्सन. मेरे पास 10 डिलीवरेबल्स थे, मैंने 12 डिलीवरेबल्स कर दिए. माय बॉस इवन इफ ही वांट्स टू फायर मी, ही कैन नॉट. फॉर व्हाट ही विल फायर मी? फॉर डूइंग माय वर्क. Same is between Saas and Bahu. Bahu ये सोच ले कि बाबा सास है, मेरे को मेरी माँ भी पीटती है ना, मैं बुरा नहीं मानती ना. सास ने 2 चीज बोल दी, क्या हो गया? उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे?
is she expecting something from me which is not reasonable? If it is not reasonable, you can keep it in front of her. She will understand. देखो, एक बात समझना, कोई भी सास अपनी बहू को तंग नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि बहू को तंग किया तो उसकी बेटी की जिंदगी खराब हुई। कोई भी बहू अपनी सास को तंग नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है बहुत अच्छे से कि उसको उसी घर में रहना है और वो उसकी पति के मम्मी हैं और उनको उसको फुल रिस्पेक्ट देना है। उसके बाद झगड़ा क्यों होता है? एक बार ट्राई करके देख लेना, आपके घर पे नहीं, आपके आजू बाजू में, जान पहचान में, जिधर भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखाई दे जब सास बहू का झगड़ा हो रहा है, वहां पे आप बहू को बोल देना कि भाई जाए, सास के पैर पकड़ के माफी मांग ले। गलती हो कि नहीं हो, सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने गलती की है। सॉरी बोलने का मतलब ये होता है दैट यू आर अ बिगर पर्सन।99% लोग सॉरी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आती है, क्योंकि उनका ईगो बीच में आता है, क्योंकि उनकी मांग कसाई बीच में आती है। एंड दैट इज हाउ द मान कसाई वर्क्स ऑन यू। चलिए थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी अगर आपकी परमिशन हो तो। बात बताना, आप में से किसी को भी मान कसाई होता है किस चीज का होता है? योर लुक्स, फैमिली, किड्स, मनी, यही सब चीजों का। एक बात बताओ, इनमें से कोई भी एक चीज है क्या जिसके ऊपर आपको मान करने जैसी चीज हो? इनमें से एक भी चीज है कि जो आपकी अपनी हो? आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। आपने कभी ये देखा है जब तूफान आता है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें से कौन सा पेड़ पौधा सही सलामत बचता है और कौन सा वाला उखड़ जाता है? एनी गैसेस? किसी ने बोला है कि जो सबसे लंबा होता है वो गिर जाता है, जो छोटे होते हैं वो रह जाते हैं। एकदम गलत आंसर है। मैं आपको कई केसेस बता दूंगा जहां पे छोटे हैं वो भी उखड़ गए हैं और जहां पे एकदम बड़े बड़े हैं वो भी टिकेगा। I will tell you on what basis it is decided. It's very easy and simple. The one which is ready to bow down stays alive. The one which is like this, ukhad jaate hain. जो पेड़
स्वाभिमान में, जो पेड़ अभिमान में, जो पेड़ किसी भी टाइप के मान में, मान के आगे कोई भी सुफिक्स अपिफिक्स लगा दो, उस मान कषाय में जो भी अटका रहता है ना वो उखड़ जाता है। और यदि कोई बहुत बड़ा पेड़ हो लेकिन हवा के झोंके में वो इधर झुक गया उधर झुक गया, एकदम मुलायम हो गया, वो बच जाता है। जीवन में भी यही है। अब दो चीजें तो हो गई, अब एक चीज रह गई है, भैया इससे मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने जो भी रास्ता बताया है ना वो आपको हैप्पीनेस तो दे देगी, खुशी तो दे देगी, सुख नहीं देगी। सुख कैसे मिलेगा? ये जो सुख है ना, ये थोड़ा सा ना आई वुड से इट इज इजी एंड येट इट इज डिफिकल्ट। लाइफ में जो सबसे सिंपल चीज होती है ना, सबसे ज्यादा सिंपल चीज, उसी को ये एक्सप्लेन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल दो, आप लाइफ में कोई भी एक कॉन्सेप्ट लीजिए सबसे इजी हो, उसको समझो, यू विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि वो इतना इजी इतना सिंपल है कि यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, यू हैव नेवर थॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग इट और अंडरस्टैंडिंग इट। फॉर यू इट वॉज नेचुरल, फॉर यू यू हैव कंसिडर्ड ये ऐसे ही होता है। ऑन दी अदर हैंड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज लो वो इजी होता एक्सप्लेन करना। अब यहां पे अपन थोड़ा सा धर्म का एग्जांपल लेते हैं। एक हेलियम बलून लीजिए, उस हेलियम बलून के ऊपर अच्छे से तेल लगाना और उसको मिट्टी में लगा देना, क्या होएगा? अब बताओ उस हेलियम बलून के अंदर कितना हेलियम डाला जाए कि वो ऊपर उठेगा? पॉसिबल है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन देयर इज ओनली वन वे फॉर यू टू एंश्योर कि वो हेलियम बलून सीलिंग को टच करे, और वो ये है कि उसके ऊपर जो तेल की मदद से जो भी गंदगी चिपकी हुई है उसे निकालना। जैसे आप उसे निकाल दोगे, जितना जितना निकालोगे उतना जितना वो ऊपर जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली द सेम कंडीशन विद आवर ओन सोल। हमारे सोल के अंदर भी हमारे जो विकारी परिणाम है वो ऑयल जैसे है, और वो उस ऑयल की हेल्प से जो भी पुद्गल के अजीव पुद्गल द्रव्य के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो आके कर्म के फॉर्म में आके चिपक गए हैं और उसने उसमें नीचे पकड़ के रखा हुआ है। व्हाट वी नीड टू डू इज प्रीटी मच इजी। हमें गंदगी को साफ नहीं करना है, हमें तेल को निकाल देना है। डू आई नीड टू रिपीट? यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कर्मों को नाश करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है उन विकारी परिणामों पे, उन विकारी भावों पे जिसकी मदद से वो कर्म आके चिपके हुए।
ये है, ये ब्रश है, इस ब्रश में ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, इसको मुझे इधर से निकालना है। कैसे निकालूं मैं, कितना खींचू कि निकल जाए? बट यदि मैंने इसके अंदर जो गम है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई ये गम जो है ना, इसको आप गर्म पानी डाल दो तो ये एक सेकेंड में गम छोड़ देता है, और मैंने इस पे गर्म पानी डाल दिया और उसके बाद इसको मेरे को कितना सा खींचना पड़ेगा ऐसा किच करके और निकल जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट। How to do it? Can anybody help me? Give me any one situation of your life and I will show you how you can do it in that particular situation. क्या ना, मैं ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, लेकिन आपको ध्यान में नहीं आएगा कि उसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होगा। चलिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अटैचमेंट विद किड्स, अपने बच्चों से रात। वाह, एक बात बताना, जब आप बच्चे थे तो आप अपने माँ बाप की सुनते थे? जब आपने अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे आपकी सुनेंगे? जो बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, आप उसके बारे में कितना भी केयर कर लो, आप उसका कितना भी टेंशन कर लो, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, क्या लगता है क्या होएगा? What will be the outcome? अभी समझो मेरी वाइफ के एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने उसको एक ही चीज बोला कि देखो, अगर आपको एग्जाम के टाइम में कोई काम, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका मतलब एक होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। यदि आपके बैच में जितने भी थे उनमें से किसी को भी वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, उसका मतलब ये है कि आपको वो चीज पढ़ाया नहीं है। तो उसके केस में कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, वो आपके टीचर्स का मार्क्स काटेगा। और यदि आप उस चीज को आप टेंशन लेके बैठोगे तो वो आप गलत कर दो। जो बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपके हिसाब से मान नहीं रहा है, आपकी बात कुछ कर नहीं रहा है, उससे आप राग करें कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। चलो, आप बच्चों की बात करते हो, एक बात बताना, इस दुनिया का एक इंसान दिखा दो जो मोटा होना चाहता है, ओबेस होना चाहता है। इस दुनिया में एक इंसान बता दो जिसको अपने बाल सफेद चाहिए। इस दुनिया में एक इंसान दिखा दो जिसको एकदम काला कौवा, एकदम गंदा दिख रहा है। एक इंसान दिखा दो जो चाहते कि पिंपल्स है। ये बॉडी तो आपकी है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि नहीं आपकी बॉडी के लिए। आप जब आपकी बॉडी का कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी बॉडी आपके हिसाब से कुछ नहीं कर सकती है, हाउ कैन यू इमेजिन कि वो बच्चे आपके हिसाब से हो? और उन बच्चों ने बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश हो गए, वो सक्सेसफुल हो गए, और उनकी सक्सेसफुल से आप स्वयं का अभिमान कैसे कर सकते हो? मतलब हाउ, वो मेरे कनेक्शन समझ में नहीं आता है। इसके अंदर ना जो छोटे दादा हमें हमेशा एक बात बोलते हैं फैमिली में, और वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भैया मेरी टेंशन इतनी थी कि मुझे अपने बच्चों की शादी करानी थी, मैंने अपने बच्चों की शादी करा दी, मेरा काम खत्म। अब नेक्स्ट
उनके बाद जो भी कुछ है उनके आगे के बच्चों की जो शादी वादी का जो भी हेडेक है वो मेरा हेडेक नहीं है, वो मेरे बच्चों का हेडेक है, उसके अंदर मैं कोई माथा पूरी नहीं करूंगा। अब बताओ ये जो उनका डिसीजन है ये एक स्ट्रेटेजी डिसीजन है कि नहीं है? बहुत ही स्ट्रेटेजी डिसीजन है, क्योंकि यदि आप अपने आप देखो कुछ लिमिट तक है जहां पे आपका इन्फ्लुएंस होएगा, वहां तक आपको इन्फ्लुएंस के हिसाब से मान के चलना पड़ेगा, यू विल नीड टू अकॉर्डिंगली बिहेव। यदि आपका बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है, नादान है, उस टाइम पे आप उसकी कह कह के आप उसको गाइड कीजिए, आप उनके लिए आप अपना राग दिखाइए, दैट इज ऑल टू अ डिफरेंट पॉइंट। बट जिस समय में आपका बच्चा आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को रेडी नहीं है, उस मोमेंट पे यदि आप इस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे कि बॉस वो हमारे हिसाब से ये हो, मेरे हिसाब से वैसा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि दैट इज एट ऑल करेक्ट। For if you ask me, that is one of the, I would say one of the bad decision which you can make. उसके ऊपर मान के सह करके क्या फायदा है? मेरे पास अभी कितना टाइम है? ओके परफेक्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे कवर करना है, मैं पहले उस पर फोकस करूंगा। ये जो बलून है ना, इस बलून के ऊपर जो ऑयल की कोटिंग है ना, उस ऑयल की कोटिंग को कैसे निकाला जाए? क्या उस ऑयल की कोटिंग को निकालने के लिए मुझे मुनिराज बनना कंपलसरी है? क्या उस ऑयल की कोटिंग को निकालने के लिए मुझे कोई समय सार की या इतनी सारी चीजों का स्वाध्याय करने की कंपलसरी है? क्या उस ऑयल की कोटिंग को निकालने के लिए मुझे फुल टाइम अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है? आप सबका क्या बोलना है इस बारे में? एनी थॉट्स? आई विल टेल यू सिचुएशन क्या है। एक लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है, उसको शादी होते साथ उसको उसके दोस्तों ने और सबने एक चीज बोल दिया कि देखो पता है शादी होने के बाद ना बच्चा होता है, और जो बच्चा होता है ना वो लाइफ को ना पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। उसके बाद ना सोना, ना हंसना, ना कूदना, मतलब तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाती है, ना घूमना, तुम्हारी पूरी लाइफ उसी के आगे पीछे घूमेगी, आगे पीछे घूमेगी। तुम्हारा करियर चौपट, तुम्हारी फैमिली लाइफ खत्म, तुम्हारी पर्सनल लाइफ खत्म, तुम्हारे लिए सब कुछ वो बच्चा ही हो जाता है। अब बताओ यदि ऐसा बोल दिया जाए, क्या लगता है वो लड़की बच्चा पैदा करेगी या नहीं? और पता है जैसे ही बच्चा होता है ना उसके बाद ना तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है, फिर तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप आएंगे ना, तुम्हें पहले नहीं ढूंढेंगे, पहले बच्चे को ढूंढेंगे। तुम्हारा पति घर में आएगा ना तो सबसे पहले तुम्हें नहीं ढूंढेगा, बच्चे को गले लगाएगा। You will be royally ignored, क्योंकि सबका फोकस वो बच्चा होगा। Now tell me, ऐसी चीज जिस लड़की को बता दिया जाए, वो लड़की कितने
प्रो एक्टिव या कितनी इंटरेस्टेड होगी बच्चा करने में। आई विल टेल यू कितना, बच्चा हो या नहीं हो, लेकिन बच्चा होने के बाद क्या क्या होएगा ना उसकी इमेजिनेशन में ना, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। एक बात बताना, आप सब में से जिसकी भी शादी हुई है, शादी होने के बाद आप लोग आपके ससुराल गए, वहां पे गए, वहां पे आप लोग ऑटोमेटिकली सेट हो गए, वहां पे आपकी सारी चीजें इजीली हो गई, बॉस ये सारी चीजें नेचुरली होती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। शादी ये मेरे को बहुत ही मेरा फेवरेट एग्जांपल है, शादी होती है ना, अरेंज मैरिज ले लीजिए, अरेंज मैरिज में सातवां फेरे होने के पहले यदि वो लड़का उस लड़की के ऊपर चिल्ला दे तो बोलो वो सातवां फेरा होएगा कि नहीं होएगा। एक बार वो लड़के ने उस लड़की को कमर पे हाथ भी लगा दिया ना सातवां फेरा होने से पहले, शादी टूटने के चांसेस ज्यादा है। वही लड़का शादी खत्म हो, सातवां फेरा खत्म होने के बाद यदि उसके साथ वैसा व्यवहार ना करे, अगर उसके साथ प्यार छोड़ो झगड़ा नहीं करे ना, तो पत्नी को खाना नहीं पचेगा। यदि पत्नी पति पति से मतलब कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से झगड़ा नहीं करे तो खाना नहीं पचता। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ही सेम चीज यदि मैं शादी से पहले बताऊ ना तो वो ही लोग डर जाएंगे, दे विल नॉट डू इट। और हमारी कंडीशन सेम है, हम सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, वो ऑयल को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ना, मुझसे ना हो पाएगा, रहने दो रहने दो। एक बात बताओ, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना और शादी हो जाती है, या समझो आपको जब बच्चा हो जाता है ना, तो उस बच्चे के लिए रात भर अगर जगना पड़े, वो बच्चा बीमार हो जाए और पूरी रात आप जग के उसकी सेवा करो ना, आपको कष्टदायक नहीं लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है, वो नेचुरली होता है। और सेम चीज यदि आपको पहले से बता दिया जाए तो आप डर जाओगे। वो सारी एक्टिविटी, माय बैड, आपकी वो सारा बिहेवियर जो है ना, वो बिहेवियर नेचुरल बिहेवियर होता है। उस जो भी चीजें नेचुरल बिहेवियर होगी ना, उसमें कष्टदायक नहीं होता। और ये बात आपका सोचना कि बॉस यू विल नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल 360 डिग्री इज एब्सोल्यूटली एन इमेजिनेशन। भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती के पद पर रह के भी इतनी शादियां, इतने बच्चे, इतना बड़ा साम्राज्य चलाते हुए भी सम्यक दृष्टि थे ना। सम्यक दृष्टि थे का मतलब समझते हो? सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि उन्होंने दादाजी मतलब मिथ्यात्व, बच्चे मतलब चाकसाय और पोते मतलब पांच पाप, इन दसों के दसों विलन के ऊपर ना कुछ परसेंटेज तक तो जीत हासिल कर ली थी, तभी वो सम्यक दृष्टि बने थे। If he can, then why can't we? मतलब मेरे को एक बात बताना, भरत चक्रवर्ती के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो आपके पास नहीं है? ये आपका होमवर्क है। आपको दो चीजें बतानी हैं जो कि भरत चक्रवर्ती के पास यूनिक है और आपके पास नहीं है।
because of which you cannot achieve samyak darshan and at the same time continue with your current lifestyle. Give me two reasons, justifiable reason, huh? And I can tell you that you won't even find one reason. You know why? क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहली बात, छह द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ना छोटा है ना बड़ा है. दूसरी बात, इस दुनिया के अंदर छह द्रव्यों में से जो एक जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में जितने भी आत्मा हैं, सब एक जैसे, कोई छोटा है तो नहीं, कोई बड़ा नहीं. जितने भी आत्मा का मतलब क्या हुआ नरेंद्र जी? आत्मा मतलब नुपुर जी ने बोला मैं, मतलब आत्मा का मतलब नुपुर जी हो गया. आत्मा का मतलब क्या हुआ नरेंद्र जी? इस मैं, जितने भी इंडिविजुअलिस्टिक आत्माएं है इस दुनिया में, सबकी सब एक समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. हेंस जो वो अचीव कर सकते हैं वो आप भी कर सकते. मैं आज अपने पास समय नहीं है, कल की लेक्चर में मेरे को एक चीज याद दिलाना कि हमारी कहानी के अंदर वो जो बलून की कहानी है, उस बलून की कहानी में उस ऑयल को कैसे निकाला जाए, उसका क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए है, और उस ऑयल का क्या कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट वर्क, उस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूँ. अगर मैं आपको टर्मिनोलॉजीज में बात करूं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कर्मा जो कॉन्सेप्ट है, हाउ डज दैट वर्क, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज दिस सिस्टम ऑफ कर्मा फंक्शन. द मोमेंट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ द एसओपी ऑफ द कर्मा, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स. और हम उन लूप होल्स का ही फायदा उठा के उस ऑयल को कम करेंगे. ठीक है, मैंने जिनवाणी स्तुति के लिए ग्रुप में कुछ फोटोज भेजे थे, तो जिनमें से एक फोटो है आपका मिथ्यात्व नास्तिक को. कैन एनी वन ऑफ यू पुट दैट ऑन स्क्रीन सो दैट वी ऑल कैन रीड इट. In the meantime, I would also like to conclude today's session. By the in the meantime, you can try sharing. So, उत्तम क्षमा के बाद आता है उत्तम माधव. माधव का मतलब होता है आप लोगों को अपने अंदर इतना कोमलता होना चाहिए, इतना मुलायम होना चाहिए है कि कोई भी आपको बोले तो आप उस चीज से आपके सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए है, मान कसाई नहीं होना चाहिए है किसी भी फॉर्म में. एंड द मोमेंट यू आर एबल टू अचीव इट, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू आर नॉट ओनली गेटिंग वन बेनिफिट आउट ऑफ इट बट मल्टीपल बेनिफिट आउट ऑफ इट. पहला बेनिफिट सोशल लाइफ, सेकेंड बेनिफिट फैमिली लाइफ, थर्ड बेनिफिट प्रोफेशनल लाइफ, फोर्थ बेनिफिट आपकी पर्सनल लाइफ, and fifth and the most important benefit is going to be ki aapka jo life ka objective tha, agar aapko apki life mein successful hona hai to us successful hone ke liye aapko jo life ka objective hai aap uske paas pahunchoge, and that is sachcha sukh. aap sab logo ko ek teesra assignment de raha hu. आपकी लाइफ में कोई भी कितनी भी आपको अच्छा बोले, डोंट फील प्राउड ऑफ इट. आप लोगों को कोई भी कितना भी बुरा बोले, डोंट कंसीडर कि वो आपको बोल रहा है. आप दोनों ही चीजों को सहज लीजिए, दोनों को चीजों को एक जैसा लीजिए,
and that is the way. There are a few topics which I'm going to cover in upcoming lectures, that those topics will directly help you to overcome Madhukasha. Okay? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलेंगे. आप सब लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है. इट विल बी ग्रेट इफ मेजोरिटी ऑफ पीपल कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड रीड इट अलोंग विद मी. हेलो जी जी ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. मिथ्या तमना श्वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है चहो द्रव्य जान वेको बंद विधि बान वेको पर पिछान वेको परम प्रसानी है अनुभव बताए अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उल आनी है जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे जो तेरी शरण गहे गहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो सो वाणी मस्तक नमो सता देते हो जय जिनेंद्र.